गद्दार वो है, गद्दार राजन की नहीं कि गद्दार वो है, आप इसका फैसला कीजिए। महेश शामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि रिदा रशीद ने जितेंद्र भाट पर FIR दर्ज कराई थी, उसको लेकर जो है रूता अवार्ड और प्रवीण पवार इन दोनों लोगों ने राजन कीने जो NCP के ही नगर सेवक थे मुमरा से आनंद कोलीवाड़ा से, इनके ऊपर आरोप लगाया था कि FIR दर्ज कराने के पीछे जो है राजन कीने का षड्यंत्र है। दरअसल राजन कीने ने भी आज इस पर खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजन कीने ने खुलासा किया है कि इस पूरे मामले से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। वाइज एक्शन की जो वीडियो सामने आई उसके बाद से रिदा रशीद ने मुमरा पुलिस स्टेशन में देर रात में FIR दर्ज कराई और FIR रिदा रशीद के दर्ज कराने के करीब एक घंटे बाद जो है CM एकनाथ शिंदे जो है राजन कीने के घर पर आए थे और उसी वक्त जो है तमाम मीडिया के लोग और आम जनता भी वहां पर मुलाकात करने के लिए उनके घर पर गई थी और इसी दौरान FIR दर्ज कराने के करीब एक से डेढ़ घंटे के बाद जो है रिदा रशीद भी राजन कीने के घर पर पहुंची और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए जो FIR कॉपी थी वो दिखाते हुए एकनाथ शिंदे से बातचीत कर रही थी। वही फोटो और वही वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रही है और उसी के आधार पर जो है राजन कीने को जो है कहा जा रहा है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे राजन कीने का हाथ है। लेकिन राजन कीने ने इस पूरे मामले से इनकार करते हुए कहा है कि ये इसमें इस मामले में उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन वही एट्रोसिटी जो है रिदा रशीद पर भी प्रवीण पवार ने दर्ज कराया है जो लगभग NCP के कार्यकर्ता ही है प्रवीण पवार, और उन्होंने रिदा रशीद पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज कराया। उन्होंने मीडिया में बाइट देते हुए भी यही कहा था कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे राजन कीने हैं और राजन कीने हैं, और साथ ही ये भी कहा था कि जो लोग महिलाओं को आगे करके इस पर राजनीति करते हैं उन्हें अपने वार्ड में साड़ी पहनकर घूमना चाहिए। राजन कीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस पर भी सवाल पूछा गया और खासतौर पर जिस तरह से NCP ही समझो इस पूरे मामले में हो रहा है और राजन कीने को एक तरफ से जो है गद्दार कहा जा रहा है, तो राजन कीने से भी पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं दरअसल वो खुद गद्दार है। आज एक बात और बता दें आपको कि मोरेश्वर कीने जो राजन कीने के भाई हैं उनके ऑफिस के बगल में ही जो है एक बैनर लगा हुआ था जिस पर मोरेश्वर कीने, राजन कीने, जितेंद्र अवार्ड और अन्य लोगों की तस्वीरें थी, तो NCP के ही कुछ कार्यकर्ता जो है इस बैनर को उतार दिए हैं और जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि राजन कीने गद्दार है। लेकिन इन सभी जो आरोप राजन कीने पर लगा है इन सभी का जवाब देते हुए राजन कीने ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते। कीने साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जितेंद्र अवार्ड विधायक जो यहाँ के उनके ऊपर मोलेस्टेशन का मामला दर्ज हुआ है भाजपा की महिला नेता ने करा है और ये एक साजिश के तहत हुआ है, आपके किसी वक्तव्य को जो है रूता अवार्ड द्वारा भी जो है मीडिया के सामने कहा गया है, तो इसमें जो आपके ऊपर संदेह की सुई घुमाई जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम बिंदुओं पर? सलाम अलैकुम, नमस्कार। क्या है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो राजन कीने गद्दार है यही मुद्दा सामने आता है। क्या है कि ये जो हमारे नेता जितेंद्र रावत साहब के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ, ये मामला दर्ज हुआ 14 तारीख को रात को 12:23 में, और इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के उपस्थिति में राजन कीने के घर पे ये इसका प्लान किया गया, कट रच गया, बोले ऐसा कहा जा रहा है, साजिश रची गई ये अवार्ड साहब के ऊपर मामला दर्ज करने की। तो मैं बोलता हूँ कि ये मामला दर्ज हुआ 12:23 पे और CM साहब हमारे घर पे आए 1:10 में, और हमारे घर पे आए तो अभी पिछले 25 सालों से CM साहब का हमारा रिलेशन है, हमारा घरगुती रिलेशन है, हमारा कौटुंबिक रिलेशन है, हमारे सुख दुख में हमेशा वो हमारे घर पे आए हैं, और जब CM बने उसके बाद में हमने उनको बहुत बार बुलाया था कि आप घर पे आइए,
लेकिन उनकी व्यस्तता के वजह से, उनके जो कामों का ये है व्यस्तता, उसकी वजह से वो आ नहीं सके। और इत्तेफाक से मुमरा वाई जंक्शन का जो फ्लाईओवर है उसका जो ओपनिंग था उस वक्त, तो वो आए और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं उन भाई बोला अपन या, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नेक्स्ट टाइम है, तुम्हें ना भाई बोले या बोलो, एकदा तरी या बोला था खूब, तुम्हें बोले ये नंतर है तो नंतर है, तो उन्होंने ठीक है, मैं बोले रात को ट्राई करता हूँ बोले। जब वो आने आए रात को 1:10 में, तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के लोग थे, बहुत सारे हमारे एनसीपी पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, और वो घर पे आए, कुछ ऐसा नाश्ता किए और निकल गए। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें कहा आप बता सकते कि साजिश रची गई या उनको कट रचा गया? नहीं, तो वो किने साहब आपके घर पर सीएम एकनाथ शिंदे जी आए और उस वक्त रीदा रशीद भी वहां पर आई थी और उस तरीके की तस्वीरें कल टी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। मैंने कहा कि हमारे घर पे सीएम साहब आए थे, और उसके बाद में मैंने ये भी कहा कि राष्ट्रवादी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, आम पब्लिक भी थे, मीडिया के लोग भी थे, और उसमें रीदा रशीद भी उनको आई थी, और उन्होंने कुछ वो सीएम साहब को ऐसा पेपर बताया कि बोले देखो ये कुछ बात कर रहे थे, कुछ बात किए उन्होंने उनसे, तो उसमें ऐसा ये नहीं हुआ कि हमारे घर पे जो साजिश रची गई, ये कहाँ पर सिद्ध होता है? और रीदा रशीद को सपोर्ट करने के लिए अगर राजेन किने ने, मैं बोलता हूँ कि एक भी अगर कांस्टेबल भी है या पुलिस सिपाही भी है, अगर उसको भी फोन किया है कि रीदा रशीद को सपोर्ट करो, तो मैं अपना राजकीय जीवन संपुष्ट में लेके आऊंगा। और भाई क्या ये भी कहा गया है कि कुछ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने ये सुना है कि राजेन किने ने ये कहा है कि उनको एमएलए पद दिया जाए? अभी वो बात थी ना, वो कार्यकर्ता जो एनसीपी के लेडी कार्यकर्ता थी, वो अलग बात कर रहे थे, वो बात बताने जैसी नहीं है। अगर वो बात बताऊंगा तो फिर वो भी और गलत उसमें लोग उसका विपर्यास करेंगे। दादा क्या आपने ये बात जो है, जो रुता मैम ने कहा कि मेरे को आमदार पद दे दो, तो ये हटा दो, हाँ आमदार को हटा दो, मेरे को आमदार पद दो, ये जो बात है उनके जो कोई कार्यकर्ता थे या उनको किसी ने बताया है, ये मोड़ तोड़ के बात बताई गई है। मतलब आपने नहीं कहा है? हाँ नहीं कहा। अच्छा, मतलब उस वक्तव्य से आप सिरे से इनकार करते हैं कि इस तरह का कोई वक्तव्य आपने नहीं दिया? कहा ही नहीं है। अच्छा। वो मुद्दा ही अलग था, वो जो बात करने का जो कार्यकर्ताओं के साथ में जो था, वो बात ही अलग थी, ये ऐसा उसमें कोई बात ही नहीं थी कि व्हाट्सएप को हटा दो और मेरे इनकार बना दो, ये बात ही नहीं थी। रजन भाई, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जब सीएम साहब आपके घर आए हैं तो उस वक्त रीदा रशीद भी मौजूद है, आप भी बैठे हैं, सीएम साहब भी बैठे हैं, मोरेश किने आपके छोटे भाई भी दिख रहे हैं उस वीडियो के अंदर, और उस पर एक कैप्शन लगाई गई है, गद्दारों के घर पर गद्दारों की साजिश, ऐसा कुछ एक वक्तव्य लिखा गया है। तो ऐसे जो वीडियो फैलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अभी क्या मालूम है क्या, मैं जिनके भी साथ में रहा हूँ उनका वफादार रहा हूँ, अभी हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है, तो सिर्फ एक ही राजेन किने गद्दार है। अभी मैंने अगर मुंह खोला तो मैं बता सकता हूँ कि मुमरा के साथ किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो भी पूरा सब ये हो जाएंगे, पूरा चिट्ठा सामने आएगा, पूरा चिट्ठा सामने आएगा। लेकिन मैं वो चीज को कभी करता नहीं हूँ, मैं वो सब चीजें कभी करता नहीं हूँ, मेरे को वो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे खून में मेरे बाप दादा ने मेरे को कभी बताया नहीं। मैं इस भावना से काम करता हूँ कि निष्काम भजने भगवंत जोड़े, और जैसा जयाचा भावार्थ जैसा तयास लाभ तैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाने वाला है। मोरेश्वर जो है नगर सेवक थे, इनके ऑफिस के बाजू में एक बैनर लगाया गया था दीपावली का आप लोगों के तरफ से, उस बैनर को नारेबाजी करते हुए गद्दार है कहते हुए एनसीपी पार्टी के लोग ही उतारे हैं, आप भी एनसीपी पार्टी से ही हैं और एनसीपी पार्टी के लोग ही उतारे हैं, तो एनसीपी वर्सेस एनसीपी जो है चालू हो गया है और गद्दार एनसीपी के लोग एनसीपी को ही बोल रहे हैं। अभी वो मैंने कहा था कि जयाचा भावार्थ जैसा, अभी वो उनकी सोची वैसी है तो क्या करेगा। कई शिंदे साहब और शिवसेना से आपकी जो नजदीकी है उसको देखते हुए तो नहीं आपको टारगेट किया जा रहा है? अभी मैंने आपको कहा था कि शिंदे साहब और हमारे घरेलू रिलेशन है, पिछले 25 साल से उनके हमारे रिलेशन है,
और वो रिलेशन को अगर आप कहेंगे कि तोड़ दो, अगर आप आपके हमारे रिलेशन है और आप कह रहे हैं कि आपको मैंने कहा है कि आ जाओ घर पे, ऐसी बातें भी चल रही है कि जल्दी आप शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। अभी क्या अभी देखो, अभी मैं तो ऐसा है कि मेरा देखो, मैं पिछले कई सालों से शिवसेना के साथ में रहा था और उसके बाद में मैं कांग्रेस में भी आया हूँ, मैं अभी राष्ट्रवादी में हूँ। अभी वक्त का तकाजा है, वक्त जैसा मेरे को संदेश देगा उस हिसाब से। राजन भाई, रीदा रशीद पे प्रवीण पवार ने मामला दर्ज कराया है, लेकिन उसी प्रवीण पवार का ये कहना है कि महिला को आगे करके जो नगर सेवक राजनीति कर रहे हैं उनको अपने वार्ड में साड़ी पहनकर घूमना चाहिए। अभी क्या है कि उनको अभी ये बोलते हुए थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब उनको नगर सेवक उनकी जो नगर सेविका को लेके चल रहे हैं उनको दो दो बार नगर सेवक बनाने के लिए राजन किने ने जद्दोजहद की है और राजन किने ने चुनके लाया है, और उसके बावजूद भी राजन किने के नमक में जो क्या बोलते हैं उसको वफादारी नहीं है ना, इसके लिए वो गद्दारी राजन किने से हमेशा उन्होंने गद्दारी की है। तो गद्दार वो है, गद्दार राजन किने है कि गद्दार वो है, आप इसका फैसला कीजिए। कहना आपका ये है कि आपके खिलाफ जो है जो जितेंद्र नवार जी को भड़काया जाता है, इस तरीके का भी है क्या? किने साहब, इसी से जुड़ी हुई बात, इतने सारे घमासान के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप खास करके आपको आपके परिवार को पूरा निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है आपके शीर्ष नेता है थाने जिले के विधायक जितेंद्र अवार, उनकी पत्नी रूता अवार, तो इन्होंने इन तमाम बातों जैसे आपका वक्तव्य बताया जा रहा है जिससे आपने इनकार किया, आप शामिल नहीं है आंदोलनों में, विरोध में, इसमें उसमें, तो जो भी है आपने बताया मोरेश ने क्लियरिफाई किया, तो उसके बावजूद क्या इन दोनों ने आपसे कभी कोई इस पूरे मामले में पिछले दो तीन दिन में फोन पर या किसी को भेजकर कोई संपर्क किया? ऐसा कभी बात ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुआ, बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठा। तो अभी जैसे के कहा गया था जब फ्लाईओवर का ओपनिंग था तो वहां से फोन आया था, उन्होंने कहा कि ओपनिंग में आ जाओ, हम लोग गए थे ओपनिंग में। राजन भाई, आगामी कुछ महीनों में मनपा के चुनाव होने जा रहे, तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अभी देखो, अभी फिलहाल मैं एनसीपी में हूँ, आगे मैंने कहा था कि जो जैसा वक्त संदेश देगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे।